हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ नीटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंटेनर्स के बारे में, जो कि क्या है, एक कंपोनेंट हमारे एसटीएल का। और ये हमारी एसटीएल की सीरीज़ चल रही है, और लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था अपने एसटीएल का, और आज हम देखने वाले हैं कंटेनर्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं, और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं बल्कि प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है, उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख है, उससे ज़्यादा का लगता है, तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और अभी आप जो ये वेबसाइट देख रहे हैं, ये हमारे न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है, और इसमें एक आपको मिलेगा लॉन्च पैड वाला सेक्शन। लॉन्च पैड क्या है? लॉन्च पैड एक न्यूटन स्कूल का प्रोग्राम है जिसमें क्या है, आपको डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्स मिलेंगे, और जिसमें क्या आप इनरोल करके सीख सकते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और जो हमारी न्यूटन स्कूल की आईडी है उस पर आप कोडिंग कर सकते हैं, और क्या है, आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और जो हमारे न्यूटन स्कूल द्वारा कोडिंग कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं, आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसा कि अभी 27 अगस्त को हुआ था। और भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट इस पर चलते रहते हैं, और आप उनमें पार्टिसिपेट करके एक्साइटिंग प्राइजेस और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें जीत सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था एसटीएल के इंट्रोडक्शन में, हम एसटीएल के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में देखा था, और उन्हीं कंपोनेंट्स में क्या है, हमारे जो हमारे कंटेनर्स होते हैं वो भी क्या है, हमारी एक स्टैंडर्ड जो हमारी एसटीएल है उसका एक क्या है, कंपोनेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे कंटेनर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो जैसा कि नेम से पता चल रहा है, कंटेनर्स का मतलब कोई चीज़ क्या है, वो कंटेन कर रहा है, मतलब हम उसमें क्या है, किसी भी चीज़ को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि क्या, हमारे घर में बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, हमारे किचन में अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के क्या हम कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे कंटेनर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो कंटेनर क्या है, हमारे एक ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि क्या हमारे जो डेटा होता है उसको स्टोर कर पाते हैं, या हमारे वो क्या है, हमारे जो और ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या वो स्टोर करते हैं। तो इनको क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे कंटेनर्स होते हैं वो क्या हमारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अगर इसके हम टाइप्स के बारे में देखें तो ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे सीक्वेंस कंटेनर्स, फिर आते हैं हमारे एसोसिएटिव कंटेनर्स, और उसके बाद में आते हैं हमारे डिराइव्ड कंटेनर्स। तो अब हम इन तीनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं हमारे जो सीक्वेंस कंटेनर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सीक्वेंस कंटेनर्स क्या होते हैं, ये हमारे क्या है, एक हमारे जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी हम इसमें डेटा को स्टोर करते हैं, जो भी हम नंबर्स को स्टोर करते हैं, वो उनको क्या है, हम एक सिक्वेंसली हम उनको क्या है एक्सेस कर सकते हैं। उनको सिक्वेंस में क्या है, उसके और भी जो हमारे नंबर्स हैं या जो भी हमारा डेटा है, हम उसको क्या है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम इसका एक एग्ज़ाम्पल देखें, तो मैंने क्या है यहाँ पर जो नंबर्स हैं उनको क्या है यहाँ पे हमने स्टोर किया है। तो सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट है वो यहाँ आया, फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट हमने ऐड किया वो यहाँ आया। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट जो भी हम ऐड करते हैं वो क्या है हमारे इसके और आगे क्या है ऐड होते रहते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, तो इसमें आते हैं हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, हमारे पास क्या है लिस्ट आती है, और हमारे पास एक होते हैं हमारे डेक। इनके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में, इनकी कोडिंग भी करके देखेंगे। और अभी हम क्या बस इसके क्या है टाइप्स को समझ रहे हैं कि इनका मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो जो हमारे सीक्वेंस कंटेनर होते हैं वो क्या है एक लीनियर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इसमें जो भी डेटा को स्टोर करते हैं उसको क्या है हम सिक्वेंसली क्या है उसको एक्सेस कर पाते हैं। और जो हमारे वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर क्या है हमारे एक डायनेमिक एरे की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हमने एरे के बारे में पढ़ रखा है, वहाँ पे क्या होता था, हम जो भी अपने जब भी हम अपने एरे को डिक्लेयर करते थे तब हमें उसका क्या साइज डिक्लेयर करना पड़ता था, हम उसमें किस टाइप के एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे एरे होती है वो क्या है हमारे सेम टाइप के एलिमेंट को क्या है स्टोर कर पाती है। तो लेकिन जो हमारे वेक्टर होते हैं, वेक्टर में क्या है, ये हमारे एक जेनरिक प्रोग्रामिंग पे वर्क करते हैं। जैसे कि हमने जेनरिक प्रोग्रामिंग के बारे में अपने जो हमने देखा था टेम्पलेट के बारे में तब हमने देखा था। तो जेनरिक प्रोग्रामिंग मतलब क्या है, जब भी हम इसमें क्या है कोई भी वेक्टर को क्रिएट करते हैं तो हम क्या है उसमें अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमने एक वेक्टर को डिक्लेयर किया तो हम क्या है उसको एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए यूज़ करें, जैसे क्या है इंट के लिए यूज़ करें, या हम
क्या हम अपने फ्लोट या डबल के लिए यूज़ करें, हम किसी भी टाइप के डेटा टाइप के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे वेक्टर होते हैं उनके क्या साइज को हम डायनेमिकली मतलब देते हैं, मतलब हम उसको क्या बाद में भी उसके साइज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम और जो लिस्ट और डेक है इनके बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद आते हैं फिर हमारे एसोसिएटिव कंटेनर्स। अब एसोसिएटिव कंटेनर्स क्या होते हैं, ये क्या हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहाँ पे देखा था जो हमारे सीक्वेंस कंटेनर्स थे वो क्या कर रहे थे, हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को, और जो हमारे एसोसिएटिव कंटेनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और या हम बोले तो क्या ही हमारे एक डेटा जो हमारे ट्री लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जब भी हम किसी भी एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं तो वो बहुत क्या है फास्ट होता है, क्योंकि ये हमारे ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं। और अगर इसमें क्या है जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम जब डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तब तो हम देखते हैं, तो जो हमारी टाइम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, हमारी ओ लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी पे। या हमारे जो भी एलिमेंट को हम सर्च करना चाहते हैं वो हमारे क्या है इस कॉम्प्लेक्सिटी पे हम इसको सर्च कर पाते हैं। और अगर इसमें हम एग्जांपल देखें तो हमारे इसमें आते हैं हमारे पास सेट आते हैं, मल्टी सेट, मैप, मल्टी मैप, ये सारे चीज़ें इसमें आती हैं। और इसके बाद आते हैं हमारे पास फिर ड्राइव्ड कंटेनर्स। ड्राइव कंटेनर क्या है, जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है, ये क्या हमारे जो हमारे सिक्वेंस कंटेनर होते हैं और हमारे जो एसोसिएटिव कंटेनर्स होते हैं उनसे मिलके हमारे क्या है जो हमारे ड्राइव कंटेनर्स होते हैं वो बनते हैं। इससे क्या है हम अपने जो स्पेशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम इनका यूज़ करके हम इसको क्या सॉल्व कर पाते हैं। और इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे आते हैं स्टैक और क्यू, और हमारी प्रायोरिटी जो क्यू होती हैं ये आती हैं। और अभी आपको अगर इनके बारे में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, जैसे अभी हमने देखा था यहाँ सेट, मैप, सेट मैप, मल्टी सेट, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको क्या है डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी कोडिंग भी करके अभी आगे देखने वाले हैं। जो हमारे आने वाले ट्यूटोरियल्स होंगे उनमें हम इनके बारे में देखेंगे। तो जो हमारे स्टैक होते हैं, स्टैक में जो होता है हमारे लीफो स्ट्रक्चर पर वर्क करते हैं। लीफो का मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर इसको हम एग्जाम्पल से देखें तो जैसे हमारे पास ये एक कंटेनर है, और इसमें क्या है हम जो भी अपना लास्ट एलिमेंट होगा उसको हम जो मतलब जो हमारा लास्ट एलिमेंट इसमें जाएगा उसको हम सबसे पहले क्या आउट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे डाले हैं, और इसमें अगर हम यहाँ पे नंबर दे दें इनको, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10, और ऐसे ही हम यहाँ पे कर देते हैं 5, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 4, और यहाँ हम कर देते हैं इसमें 1। तो इसमें हमने क्या किया है, जो हमने अपना जो लास्ट एलिमेंट है जो मतलब जो हमने अपने यहाँ पे 1 स्टोर किया है, ये हमारा 1 क्या था, हमने इसको सबसे लास्ट में स्टोर किया है, लेकिन हम जब इसको आउट करेंगे तो वो हमारा क्या है सबसे पहले आउट होगा। और जो हमने सबसे पहले स्टोर यहाँ पे किया हमने 10, क्योंकि हम जब भी कोई एक बॉक्स है जैसे हमारे पास होती है हम सिटल लेने जाते हैं जब हम बैडमिंटन खेलते हैं, तो उसमें क्या है एक हमारे बॉक्स टाइप के कंटेनर में हमको बहुत सारी सिटल्स मिलती हैं, तो उसमें क्या होता है एक सिक्वेंस में हमारी चीज़ों के क्या है वहाँ पर स्टोर की हुई होती हैं। तो जो हमारी लास्ट वाली सिटल होगी उसको क्या हम सबसे पहले निकाल सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे क्या है इम्प्लीमेंट होता है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जो भी हमारा लास्ट नंबर होगा जब हम इसमें क्या है स्टोर करेंगे तो वो हमारा क्या है सबसे पहले आउट होता है। फिर आज हमारे पास अगर हम इसमें क्यों देखें तो इसमें क्या होता है हमारे फीफो स्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले जाएगा वही एलिमेंट सबसे पहले आउट हो जाएगा, मतलब जो एलिमेंट को हम लास्ट में मतलब जो जिसको हम क्या है फर्स्ट इन करेंगे वही हमारा क्या है फर्स्ट आउट होगा। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें तो क्या है जैसे एक हमारे लाइन में क्या है हमारे बहुत सारे पीपल्स इसमें खड़े हुए हैं, और ये हमारी क्या है एक टिकट काउंटर पे की लाइन में क्या है ये सारे लोग लगे हुए हैं। तो इसमें क्या होगा जो हमारा सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा मतलब जो फर्स्ट जो पर्सन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे जैसे ही वो टिकट लेगा और वो सबसे पहले यहाँ से क्या है जा सकता है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं, तो जैसा कि सबसे पहले पीपल है जो कोई भी पर्सन है वो क्या है यहाँ पे आके लग गया, फिर उसके बाद में इसके पीछे एक और पर्सन आया, फिर और आया। तो सबसे पहले जो हमारा पर्सन आया था मतलब जो सबसे पहले मैन आया था ये वाला जो सबसे पहले आया था वो क्या है जब यहाँ से टिकट लेके और सबसे पहले यहाँ से क्या है निकल सकता है। तो ये हो गया क्या हमारा फीफो स्ट्रक्चर, मतलब जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले क्या है जा सकता है। तो ये होते हैं हमारे कंटेनर्स। और हमने अभी देखा हमारे क्या है सीक्वेंस कंटेनर्स में क्या हो रहा था, हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स थे वो क्या थे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे।
फिर आते हैं हमारे एसोसिएटिव कंटेनर्स। एसोसिएटिव कंटेनर्स में क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारे क्या है ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स हमको मिल रहे थे। फिर आते हैं हमारे पास ड्राइव कंटेनर्स। अब ड्राइव कंटेनर्स क्या होते हैं, ये हमारे जो हमारे सिक्वेंस कंटेनर्स होते हैं, हमारे एसोसिएटिव कंटेनर्स होते हैं, उनके मिला के हम इनको क्या क्रिएट करते हैं, जो भी हमारी स्पेशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। सो गाइज, अगर हम इसमें बात करें कि कब हमें क्या यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे वेक्टर्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने क्या है इसको सिक्वेंस जो हमारे कंटेनर्स होते हैं उनमें देखा था, तो जो हमारे वेक्टर होते हैं वो उसमें क्या है हम रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि हम इसमें जैसे कि हम एरे होती है हमारे, अगर हम इसमें कोई भी एलिमेंट को हमें एक्सेस करना होता है तो हम उसमें क्या है जो हमारा इंडेक्स होता है एरे का, हम उसका यूज़ करके उसको क्या है डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्या है हमारे वेक्टर होते हैं, वेक्टर में भी हम क्या है अपने जो इंडेक्स होते हैं उनका यूज़ करके हम इसमें क्या है बहुत ही फास्टली क्या है इसमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे वेक्टर होता है उसमें जैसे कि हमने देखा था एक हमारे एक जैसे अगर हम इसको देखें तो ये क्या है हमारे एरे की तरह होते हैं, और इसमें हम जब भी अपने जो डेटा होता है उसको हम इस तरीके से क्या है हम इसमें स्टोर करते हैं। तो जब हम इसमें क्या करते हैं जो मिडिल इंसर्शन होता है या हम किसी भी नंबर को डिलीट करना चाहते हैं तो वो इसमें क्या है स्लो होता है। वो क्यों होता है कि जैसे अगर हमारे पास ये एक हमारा क्या है वेक्टर बना हुआ है और इसमें हमने ये नंबर क्या है इसमें स्टोर किए हैं, तो अगर हम इसमें क्या है इसके बीच में अगर हम किसी भी और नंबर या किसी एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो उसमें क्या है थोड़ी हमें प्रॉब्लम होगी और वो क्या है बहुत ही स्लो प्रोसेस होगी। और अगर हम इसमें देखें अगर उसके क्या है जो हमारा इंसर्शन या डिलीशन अगर हम इसके क्या है एंड से देखें तो वो हमारा क्या है वो फास्ट होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसके आगे किसी भी नंबर्स को हमें क्या है पुश नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली इसमें और भी नंबर्स को क्या है हम इसमें स्टोर कर पाते हैं। लेकिन जब हम इसमें क्या है मिडिल में करते हैं तब हमें जो हमारे और नंबर्स हैं जैसे हमारा 4 या 5 हो गया तो इन्हें क्या है हमें आगे पुश करना होगा, तभी हम इसमें क्या है और नंबर्स को क्या है ऐड कर सकते हैं या हम और एलिमेंट को इसमें हम ऐड कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास लिस्ट। अब लिस्ट का अगर हम अभी स्ट्रक्चर देखें तो हमें यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। तो हमारी लिस्ट अगर होती है हमारी क्या है जो हमारी लिस्ट होती है वो इस टाइप की होती है। इसमें क्या है जैसे ये हमारा एक बॉक्स है, यहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट को इसमें स्टोर करेंगे और यहाँ पे क्या है हमारा जो एड्रेस होता है हमारे नंबर का वो आता है। फिर इसके बाद में हमारा सेकेंड जो हमारे एलिमेंट होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा, फिर यहाँ पे इसका एड्रेस होगा। इसी तरीके से इसमें क्या बहुत सारे और भी जो हमारे बॉक्सेस होते हैं इसी टाइप के और भी होते हैं। तो अगर हम इसमें क्या है किसी भी नंबर को हम एक्सेस करेंगे तो इसमें क्या हमारे पास कोई भी इंडेक्स वगैरह तो होता नहीं है, तो इसमें क्या है हम इस जो रैंडम एक्सेस होती है वो क्या उसमें स्लो होती है। फिर ऐसे ही अगर हमारे जो आते हैं इसमें अगर बात कर आती है कि हम किसी भी एलिमेंट को या हम क्या ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं इसके मिडिल में, तो वो क्या होता है यहाँ पे हम इसमें किसी भी नंबर को क्या है हम ऐड कर सकते हैं बहुत ही फास्टली, क्योंकि हमें इसमें किसी भी नंबर को क्या है पुश नहीं करना है और हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या है इसमें क्या है ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं या हम यहाँ से भी इसमें क्या है और भी जो हमारे नंबर्स हैं या हम इसमें एलिमेंट हैं उनको क्या है हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जो हमारे डी क्यू आते हैं उसमें क्या होते हैं हमारे जो इसमें क्या करते हैं हम जो हमारे एलिमेंट हैं उनको हम दोनों साइड से क्या है इसमें ऐड भी कर सकते हैं और इसमें क्या है नंबर्स को क्या डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसमें भी यही होता है कि हम एक्सेस होता है वो हमारा क्या फास्ट होता है, लेकिन जो हमारे मिडिल में इसमें जो भी नंबर्स होते हैं या एलिमेंट होते हैं अगर हम उसमें क्या है इंसर्ट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो वो हमारा यहाँ भी क्या है वो स्लो होता है। लेकिन जो हमारा जब भी हम किसी भी एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो हमारे जो एंड होते हैं उनसे क्या है वो फास्ट होता है। अब देखें अगर हम जो हमारे एसोसिएटिव कंटेनर्स के बारे में हमने देखा था तो उसमें क्या होते हैं हमारे ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या होता है हम नंबर्स में क्या है इसमें ऐड भी फास्टली कर सकते हैं और इसमें क्या है डिलीट भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे एक्सेस होती है रैंडम एक्सेस जो हमने यहाँ पे देखा था जो हमारा यहाँ फास्ट होता है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है स्लो होता है। हम जो हमारे एसोसिएटिव कंटेनर्स होते हैं हम उसमें क्या है रैंडम एक्सेस स्लो होता है, बाकी सारी चीज़ें क्या है हम इसमें फास्टली कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास क्या है जो हमने देखा अभी ड्राइव कंटेनर्स। तो ड्राइव कंटेनर्स में क्या है हम ऐसे नहीं बता सकते हैं उसमें क्या हमें अलग अलग सिचुएशन के लिए क्या है हमें उसको पहले पूरा तरीके से क्या हम उसको एनालाइज करना पड़ता है तभी हम उसमें बता सकते हैं कि किस प्रोसेस में हमारा क्या फास्ट हो रहा है रैंडम एक्सेस या हम किसी भी एलिमेंट को क्या है ऐड या डिलीट कर पा रहे हैं फास्ट हो रहा है या क्या स्लो हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या है अलग से उसको क्या है स्टडी करना पड़ता है उसको एनालाइज करना पड़ता है।
और ये सारी चीज़ें क्या हम डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हैं। सो गाइस आई होप मैंने आपको जो ये कंटेनर्स वाला पार्ट था वो आपका क्या है क्लियर कर दिया हो मैंने। और अभी तक अपना अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, इससे क्या है आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और मैंने जो हमारे C++ है उसका ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी हैं, तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने सारी बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को समझाया है। तो आप जो C++ का कोर्स है वो स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।